नमस्कार, बोल्स्काई में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर चाय को लेकर कई तरह के मीम बनाए जाते हैं। चाय की फैन फॉलोइंग कितनी है ये शायद गिनती भी नहीं की जा सकती। ग्रीन टी, व्हाइट टी, ब्लैक टी, लेमन टी और न जाने कितने हैं चाय के प्रकार और उसके दीवाने। लेकिन इसे पीने से सेहत पर क्या असर पड़ता है ये आप जानते हैं। चाय पीने के फायदे गिनवाने वाले तर्क बहुत हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं चाय पीने के बाद आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, चाय पीने के बाद शरीर हल्का सा ठंडा हो जाता है। इसका कारण है कैफीन। इस केमिकल से फैट एनर्जी में बदलता है और पसीना आता है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी शरीर ठंडा हो जाएगा। इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांचने पर यह पाया गया कि एक गर्म दिन में कोल्ड ड्रिंक पीने से 0.5 डिग्री शरीर का तापमान कम हो जाता है, लेकिन सिर्फ 9 मिनट के अंदर अगर आइस टी पी जाए तो तापमान 0.8 डिग्री तक गिर जाता है। यहीं अगर गर्म चाय पी जाए तो शरीर का तापमान 1-2 डिग्री तक कम हो जाता है। यानी गर्म चाय से शरीर ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि मुंह में चाय पीते वक्त काफी ज्यादा सलाइवा बनता है। ये कुछ लोगों के साथ तुरंत होता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर बाद, लेकिन चाय पीने के बाद प्यास लगती है। वैसे तो चाय बहुत हाइड्रेटेड ड्रिंक है क्योंकि इसमें शक्कर, एसिड आदि सब होता है, लेकिन फिर भी शरीर के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि प्यास लगे, इसलिए चाय पीने के बाद आपको प्यास लग सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।